एक मनीषा नाम की लड़की थी, अपने घर के पास वाले गांव में एक स्कूल में पढ़ने जाया करती। और 3 हफ्ते से मनीषा हर दिन लेट पहुंचा करती। टीचर उसे डांटती, उसे पनिशमेंट देती। 4th हफ्ते मनीषा स्कूल आई नहीं, तो सारे लोगों ने सोचा कि उसे डांट पड़ती थी, पनिशमेंट मिलती थी, शायद इसीलिए उसे स्कूल आना बंद कर दिया हो। लेकिन 5वें हफ्ते फिर से मनीषा अपनी क्लास में दिखाई दी। आज मनीषा सबसे पहले पहुंची थी क्लास में। टीचर ने क्लास में घुसते ही पहले तो उसे सजा दी क्योंकि वो 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आई थी, लेकिन फिर उसकी पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी कि देखा, डांट और पनिशमेंट का असर देखो, आज तो जल्दी आई हो तुम। मनीषा ने पूरी क्लास के सामने कहा कि टीचर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। टीचर ने कहा, बिल्कुल। मनीषा ने बात करना शुरू किया, कहा कि मुझे मेरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं है, और 5 हफ्ते पहले मेरी माँ काफी बीमार हो गई थी। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और घर पर खाना बनाकर उन्हें पहुंचाकर फिर मैं स्कूल आया करती थी और इसीलिए लेट आया करती थी। मैंने काफी कोशिश की लेकिन मेरी माँ को बचा न सकी। पिछले हफ्ते मेरी माँ चल बसी थी और इसीलिए मैं स्कूल ना आ सकी। आज मैं जल्दी इसीलिए आई हूँ क्योंकि ना ही तो खाना बनाना था और ना ही किसी को हॉस्पिटल में पहुंचा कर आना था, और अब से मैं हर दिन जल्दी आ जाया करूंगी। ये कहकर मनीषा अपनी जगह पर तो बैठ गई, लेकिन क्लास में किसी की भी आंख कोरी न बची थी। टीचर भी अपने आप को अंदर ही अंदर कोसे जा रही थी, अर्थात कब कब ऐसा होता है कि हम किसी से पूछ बैठते हैं, आपकी शादी नहीं हुई अब तक, आपके बच्चे नहीं है, कब तक ये खटारा गाड़ी चलाओगे, नौकरी नहीं लगी अब तक। हम तो पूछ बैठते हैं लेकिन उसके दिल पर क्या बीतती होगी, कहीं इनसेंसिटिव तो नहीं होते जा रहे हम। अर्ज किया है कि एक भी दिन ना निभा सकेंगे वो मेरा किरदार, एक भी दिन ना निभा सकेंगे वो मेरा किरदार, वो लोग जो मशवरे देते हजार। सलाम दुआ वणकम प्रणाम सत श्री अकाल, केम छो सारू छे, अमदावाद आखोई मारू छे, अर्चना की ओर से।